हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? चलिए, हम लोग रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एसएससी के लिए देख रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे मैं यहाँ लेके आता हूँ। उसी सिलसिले में ये एमएसटी एमसीक्यू का दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो आप लोगों ने देखा, अभी उसके बाद ये दूसरा कंटिन्यू मैंने किया है। देखिए, सारे क्वेश्चन जो मैं यहाँ लेके आया हूँ वो सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं और रेगुलरली वो पूछे जा रहे हैं। इसमें से कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो रेलवेज में काफ़ी बार रिपीट हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन हैं। और आगे अगर आए तो आप इन सबको टैकल कर सकें। इनके अलावा भी अलग एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट मुझे लगे हैं, जो एग्जाम में आ सकते हैं, वो सारे मैंने यहाँ लिए हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग एलिमेंट बिहेव्स केमिकली बोथ एज मेटल एंड नॉन मेटल। देखिए, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो मेटल्स में भी आते हैं, नॉन मेटल्स में आते हैं। ऐसे 6 मेटल्स हैं, ठीक है। तो इनको इनको हम एक नाम देते हैं, इनको हम कहते हैं मेटलॉयड। मेटल से ही लॉयड बना है, इसे कहते हैं मेटलॉयड्स, ठीक है। इसको ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो मेटल्स और नॉन मेटल्स बिहेव करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम मेटलॉयड्स कहते हैं। फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन जो है, जो मेटल नॉन मेटल दोनों है इन ऑप्शनों में, तो वो है बोरॉन। बोरॉन इज अ मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। चलिए, ह्यूमन बोन डज नॉट कंटेन, ह्यूमन बोन्स मतलब हमारे बोन्स में क्या चीज कंटेन नहीं करती? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अक्सर आया हुआ है। कैल्शियम हम सब जानते हैं कंटेन करता है, फॉस्फोरस, ये दो तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब कंफ्यूजन यहां से है, कार्बन और ऑक्सीजन। जी हाँ, कार्बन भी कंटेन करता है, राइट ऑप्शन है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारा बोन्स में ऑक्सीजन नहीं कंटेन करता। ऑक्सीजन क्या कंटेन करता है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कंटेन करता है, हमारा खून में ऑक्सीजन की मात्रा होती है, बोन्स में नहीं होती है, ठीक है। चलिए, इंजाइम्स क्या है? इंजाइम्स प्रोटीन है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, लगभग ये 2 बार मेरे ख्याल से रेलवेज में आया हुआ है और ये शायद 3 बार एसएससी में भी पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने यहाँ लिया है। बहुत क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो आगे रिपीट हो तो आप इसको टैकल कर सकें। द टर्म पीवीसी यूज इन द प्लास्टिक इंडस्ट्री स्टैंड फॉर, पीवीसी प्लास्टिक इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है, क्या नाम है? देखिए, पीवीसी से ही आप ऑप्शन डिटेक्ट कर सकते हैं, पॉली विनाइल क्लोराइड, पीवीसी, ठीक है। तो ए इज द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज फॉर प्रोड्यूस द आर्टिफिशियल रेन, आर्टिफिशियल रेन प्रोड्यूस करने के लिए कौन सा केमिकल इस्तेमाल किया जाता है? तो वो है सिल्वर आयोडाइड। ये क्वेश्चन भी फ्रीक्वेंटली बहुत बार आया है, इसलिए लिया है मैंने यहाँ पे। विच हैव द मैक्सिमम डेंसिटी, देखिए मैक्सिमम डेंसिटी किस इन सब में किसमें होती है? तो मैक्सिमम डेंसिटी हमारे वाटर में होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। विच एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन, लेमन में कौन सा एसिड होता है? सिंपल सा है, सभी जानते हैं, सिट्रिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड किसमें होता है? दूध या दही में होता है। टार्टरिक एसिड किसमें होता है? हल्दी में। टर्मरिक, टर्मरिक जो हम हल्दी इस्तेमाल करते हैं उसमें होता है। विच अमंग द फॉलोइंग यूज फॉर प्रोड्यूस आर्टिफिशियल इन, सेम क्वेश्चन वही आ गया, सिल्वर आयोडीन जो हमें अभी डिस्कस किया था। विच इज यूज फॉर यूज इन प्रिपरेशन ऑफ डायनामाइट, डायनामाइट प्रिपरेशन करने के लिए हमें क्या किस इसमें से इन फॉलोइंग में से क्या जरूरत पड़ती है? ग्लिस्ट्रॉल की जरूरत पड़ती है, इथाइल अल्कोहल की जरूरत पड़ती है, मिथाइल अल्कोहल जरूरत पड़ती है, या ग्लिस्ट्रॉल की जरूरत पड़ती है? तो पड़ती है हमें जरूरत ग्लिस्ट्रॉल की। अच्छा, डायनामाइट बनाया किसने था? ये क्वेश्चन भी कुछ दिन पहले एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है। तो ये है अल्फ्रेड नोबेल साहब, नोबेल जी ने आविष्कार किया था डायनामाइट का। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इसलिए मैंने यहाँ डिस्कस कर दिया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज द मोस्ट टॉक्सिक, इसमें से सबसे टॉक्सिक गैस, सबसे जहरीली गैस कौन सी है? तो सबसे जहरीली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, ये याद रखिए, इसका फॉर्मूला होता है CO, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे पॉइजनस गैस होती है, सबसे टॉक्सिक गैस होती है। ये कहाँ से लिबरेट होती है? ये आपके व्हीकल से लिबरेट होती है, जो गाड़ियाँ आप चलाते हैं, व्हीकल्स आप यूज करते हैं, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड लिबरेट होता है वहां से। ये बहुत ही जहरीली और टॉक्सिक होती है, जो एयर में घुल के आपके सांसों में जाती है, जिससे आपको पॉइजनस कंटेन करती है। वाटर ड्रॉप्स आर स्फेरिकल बिकॉज ऑफ, जो पानी की बूंदें होती हैं स्फेरिकल किस वजह से होती हैं? तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, सरफेस टेंशन की वजह से, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड इन अ सिगरेट लाइटर्स, जो सिगरेट लाइटर्स हमने देखा उसमें कौन सी गैस इस्तेमाल होती है? रोजमर्रा जिंदगी हमने सिगरेट लाइटर्स हमने देखे होंगे, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि उसमें गैस कौन सी इस्तेमाल होती है। तो उसमें गैस जो इस्तेमाल होती है वो होती है बुटेन,
ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर किसके कारण होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट इज द मेटल विच यूज टू कंटेन अ परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा कैल्शियम सल्फेट होगा। चलिए, व्हाट इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बॉक्साइट। बॉक्साइट किससे एक्सट्रैक्ट होता है, एल्यूमिनियम से। एल्यूमिनियम से एक्सट्रैक्ट होकर बॉक्साइट बनता है। ये बॉक्साइट कैसे इसे कहते हैं, ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज बॉक्साइट। देखिए, दो तीन और हैं जो पूछे जाते हैं, जैसे आयरन के ओर। आयरन का ओर क्या होता है, तो आयरन का होता है हेमाटाइट। हेमाटाइट होता है, ठीक है। अगर एक और होता है लेड का, लेड मतलब पीबी का ओर क्या होता है, ये होता है गैलेनियम। ठीक है, ये दो चीज और इंपॉर्टेंट है, इनके और पूछ लिए जाते हैं। जैसे एल्युमिनियम का बॉक्साइट होता है, वैसे आयरन का हेमाटाइट होता है, और लेड का गैलेनियम होता है, GALENA गैलेनियम होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अक्सर आ जाते हैं। विच मेटल इज हैवीएस्ट, सबसे हैवी मेटल कौन सा होता है, तो वो है मर्करी। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन कौन सा है, देखिए कोक, ग्रेफाइट, चारकोल एंड डायमंड, ये चारों कार्बन से बनते हैं, लेकिन हार्डेस्ट जो होता है वो डायमंड आपका होता है। ठीक है, व्हाट न्यूक्लियस ऑफ द एटम कंटेन्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एटम्स के बीच में जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्या कंटेन करता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बेसिक क्वेश्चन है, ये आया हुआ था इसलिए मैंने लिया हुआ। एयर कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, एयर में सबसे ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट क्या होती है नाइट्रोजन। ठीक है, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाइट्रोजन जो प्रेजेंट होती है एयर में, जो प्रेजेंट है वो है तकरीबन 78.09। उसके बाद नंबर आता है ऑक्सीजन का। ठीक है, ऑक्सीजन कितनी प्रेजेंट होती है, कितने परसेंट है, 20.95। ठीक है, उसके बाद है ऑर्गन। ठीक है, ऑर्गन कितना होता है, 0.95 3। फिर सबसे बाद में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, कितनी प्रेजेंट है, वो 0.39। ये चार्ट याद कर लीजिए, इससे क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, सबसे मैक्सिमम कौन सी है, नाइट्रोजन है। सबसे मिनिमम पूछा गया तो कार्बन डाइऑक्साइड है। कभी कभी ऑक्सीजन पूछा, ऑक्सीजन कितना कंटेन करती है, तो 20.95। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉफ्टेस्ट, सबसे सॉफ्टेस्ट एलिमेंट कौन सा है, तो वो है आपका Na किसे कहते हैं, सोडियम को। एलिमेंट दैट शो द प्रॉपर्टीज तो बोथ मेटल्स। देखिए, मैंने पहले क्वेश्चन बताया था, कुछ मेटल्स होते हैं जो दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल, उन्हें हम क्या कहते हैं, मैंने पहले बताया था, उन्हें हम मेटलॉइड कहते हैं। कितने मेटलॉइड होते हैं, 6 मेटलॉइड होते हैं। कौन कौन से, बोरॉन, ठीक है, बोरॉन हो गया, ये हो गया सिलिकॉन हो गया, ठीक, और आपका एंटीमोनी होता है, एंटीमोनी होता है, और टेलिमोनियम होता है, टेलिरियम होता है, और एक जो बचता है वो आर्सेनिक होता है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, एक छूट रहा है हमसे, हाँ, जर्मेनियम भी। आपके 6 एलिमेंट जो होते हैं, मेटल, जो मेटल नॉन मेटल दोनों होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, वॉशिंग सोडा किसे कहते हैं, देखिए दो क्वेश्चन आते हैं, एक वॉशिंग सोडा किसे कहते हैं और दूसरा बेकिंग सोडा किसे कहते हैं, आता है ना, बेकिंग सोडा किसे कहते हैं। देखिए, बहुत सिंपल बता रहा हूं मैं, सोडियम कार्बोनेट होता ही होता है, बेकिंग बाइकार्बोनेट, वॉशिंग नो बी इज यूज, सोडियम कार्बोनेट इज द आंसर। अगर बेकिंग सोडा पूछा जाता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, इसका आंसर ये है। फिलहाल वॉशिंग सोडा हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट इज द राइट आंसर। ठीक है, विच गैस इज फिल्ड इन द रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस भरी थी। देखिए, कुछ बहुत बार आया है ये क्वेश्चन, कई बार पूछा गया, SSC में तो 3-4 बार आया हुआ है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज फिल्ड इन द रेफ्रिजरेटर,
ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है लेकिन कई बार आया हुआ है इसलिए मैंने यहाँ लिया हुआ है। ठीक है, आगे आए तो आप टैकल कर पाएंगे। नेचुरल रबर, रबर जो होता है वो किससे बनता है, वो होता है आइसोप्रीन से। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, हमारा बॉडी का ब्लड जो होता है उसमें क्या पीएच का क्या होता है, कितना होता है पीएच, वो होता है 7.4। हमारी बॉडी का जो ब्लड है उसका पीएच है 7.4। तो कभी पूछते हैं कि मैक्सिमम किसमें होता है, तो मैक्सिमम होता है सी वाटर में, समुद्री पानी जो होता है उसमें होता है 8.5। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट चीज है। और भी जैसे चीजें हैं, मिनिमम जो होता है वो गैस्ट्रिक जूस में होता है, और टीयर्स जो आंसू होते हैं उसमें 7.4 होता है, मिल्क में 6.3 के आसपास होता है, 6.5 मान लीजिए उन्होंने एवरेज, सॉफ्ट ड्रिंक में 2 होता है। ठीक, ये सब क्वेश्चन आ जाते हैं कभी, लेकिन फिलहाल इम्पोर्टेंट जो है कभी बार मैक्सिमम पूछ लेता है। फिलहाल हमारे ब्लड का जो है वो 7.4 होता है। ओजोन इज, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ओजोन इज डायमैग्नेटिक। देखिए ये क्वेश्चन रेलवेज में 2010 में आया हुआ है, 2013 में भी आया हुआ है, इसलिए मैंने लिया है। ओजोन इज अ डायमैग्नेटिक स्ट्रक्चर। ठीक है, विच गैस इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। अच्छा, फायर एक्सटिंग्विशर देखा है आपने, जो आग बुझाने के लिए काम होता है। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, अगर आप सोचें जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, जो आग जिससे आग बुझाई जाती है, आग लगती कैसे है, आग लगने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, तो अगर ऑक्सीजन खत्म कर दे तो आग बुझ जाएगी। ऑक्सीजन खत्म किससे की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो फायर एक्सटिंग्विशर में क्या भरा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपल क्वेश्चन है, अक्सर मैं देखा है फायर एक्सटिंग्विशर, लेकिन कभी दिमाग नहीं लगाया है कि अगर ये आग बुझाई जा रही है तो इसमें भरा क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भरा होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आग लगती है और ऑक्सीजन खत्म करने के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, तो फायर एक्सटिंग्विशर में कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, सबसे ज्यादा एलिमेंट जो अर्थ में पाया जाता है तो वो है नाइट्रोजन, जो मैंने बताया था अभी आपको, मैंने पहले बताया था कितने परसेंट होता है, 78.09। ठीक है, एक्चुअली एलिमेंट है इसलिए इसमें। द ओर विच फाउंड इन द अबंडेंस इन इंडिया, ठीक है, इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सा ओर पाया जाता है, तो वो है मोनोसाइट। अच्छा, मोनोसाइट कहाँ से निकलता है, वो निकलता है थोरियम से, ये भी पूछा जाता है थोरियम का ओर क्या होता है, तो आंसर है मोनोसाइट। सबसे ज्यादा इंडिया में कौन सा ओर पाया जाता है, वो है मोनोसाइट। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसके रिगार्डिंग और कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, इसका मैं तीसरा पार्ट जरूर लेके आऊंगा, और फिलहाल के लिए गुड बाय।